कल्याणकारी उपायों से घर में होगा सुख समृद्धि का आगमन, साथ ही महादेव होंगे प्रसन्न। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। जी हाँ, आज आपको बताने जा रहे हैं दूध के कुछ चमत्कारी उपाय। दूध का प्रयोग स्वादिष्ट डिश बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, इसके अलावा पूजा पाठ में भी किया जाता है। साथ ही तंत्र मंत्र की साधनाओं में भी दूध का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूध को चंद्रमा का कारक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में दूध से संबंधित उपायों के बारे में बताया गया है। माना जाता है कि दूध के इन उपायों को करने से इंसान को जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि वह कौन से उपाय हैं जिनको करने से आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। देखिए, सोमवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। एक बर्तन में दूध लेकर उसमें काली मिर्च डालें। इसके बाद दूध को शिव मंत्र के जाप के साथ शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही इससे महादेव भी प्रसन्न होते हैं। वहीं अगर आपको जीवन में अधिक मेहनत करने के बाद भी तंगी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप रविवार की रात एक गिलास सोते समय अपने सिर के नजदीक रख दें। दूध को दाहिने हाथ की तरफ रखें। सुबह होने पर इसे बबूल के पेड़ की जल में अर्पित कर दीजिए। जी हाँ, यह उपाय लगातार 11 रविवार तक करें। माना जाता है कि इससे आपको जल्द ही आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। चंद्रमा को दूध अर्पित किया जाता है। जी हाँ, मानसिक रूप से परेशान होने की स्थिति में चंद्रदेव को भी दूध का अर्घ दिया जाता है। माना जाता है कि ये उपाय करने से इंसान को जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। रोजाना सुबह और शाम इस पौधे के पास दीपक जलाएं और पूजा करें। इस दौरान पौधे में आप दूध भी अर्पित करें। इस उपाय को करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी सदैव आप पर बना रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपके जीवन में भी परेशानियां चल रही हैं, तो आप दूध के ये कुछ उपाय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।